चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ विथ अ वेलोसिटी यू इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर सम टाइम एट पॉइंट पी इट इज मूविंग एट राइट एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू पी। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से प्रोजेक्शन किया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, ऐसे जाके यहाँ पर पी पे लैंड किया, ओ पॉइंट से थ्रो किया गया, यू वेलोसिटी है कंसिडर किया, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी यू है, ठीक है, और अल्फा एंगल से थ्रो किया गया, और कुछ टाइम के बाद ये पी यहाँ तक, पी यहाँ नहीं है सॉरी, पी जो है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, पी जो है यहाँ कहीं है, ठीक है, और वो बना रहा है इनिशियल वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का ये इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर ध्यान से देखो ये है यू, ये है वी, करेक्ट है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा होता है, ठीक है, और ये v है, ये v की डायरेक्शन थी, तो ये 90 माइनस अल्फा ये भी होगा, 90 माइनस अल्फा ये भी होगा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा, और ये v है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा कितना होता है sin अल्फा, अच्छा यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos अल्फा, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो u cos alpha is equal to v sin alpha होगा, तो v की वैल्यू कितनी होगी, u cot alpha होगी, v की वैल्यू हो गई, अच्छा अगर ये v है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, v sin 90 minus alpha, इट मींस ये आएगा v cos alpha, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया v cos alpha, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है, v की वैल्यू है ये वैल्यू इतनी, तो फॉर इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई, वी की वैल्यू यू कॉट अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो गई, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा, यहां से ओ से पी तक का टाइम कितना है टी, अगर एज्यूम कर लिया जाए टी टाइम लगा, तो अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर दूं यहां पर कौन सा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूँ, इस वाले फिगर को हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दूँ, ठीक से इरेज कर दूँ, चलो इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ये फॉर्मूला, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव होगा, माइनस कितना होगा, यू कॉट अल्फा इंटू कॉस कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा, प्लस में यू साइन अल्फा, और जी की वैल्यू नीचे की तरफ है तो माइनस जे इंटू टी, तो जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, यू साइन अल्फा प्लस यू कॉट अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, टी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आप क्या करो, पहले इधर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एलसीएम ले लें, यू कॉमन ले लें और एलसीएम भी साथ में ले लें, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जी टी, ठीक है, ये इक्वल टू ये साइन अल्फा है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा वन हो गया, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी टी साइन अल्फा, या इसको आप ऐसे लिखते हो t इज इक्वल टू वन बाई साइन है तो कोसेक हो जाएगा u कोसेक अल्फा अपॉन जी टी, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, u कोसेक अल्फा बाई जी टी, अच्छा सॉरी जी टी क्यों आ गया यहाँ, t की तो वैल्यू निकालो, मैं ये छोटी चीज गलती मैंने यहाँ कर दी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, अब दोनों को क्यों ले आएंगे, वरना वन लेफ्ट साइड में वन नहीं हो जाएगा, तो इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, तो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, यू कोसेक अल्फा बाई जी, यू कोसेक अल्फा बाई जी, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।